ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खिखड़ी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर लखनऊ से है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया। आपको बताते चले कि इस मौके पर महादेव के दर्शन को लेकर भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस द्वारा सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए। महिलाओं की सुरक्षा है, विशेष प्रबंध यहाँ पे सुनिश्चित किए गए हैं और यहाँ पे पॉकेट मारी ना हो इसके लिए अलग से हमारी कॉलेज में मीटिंग लगी हुई। ड्रोन से भी सर्विलांस तैयार किया जा रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक और आयोजकों ने भी इस संबंध में काफी अपना सहयोग किया और उनके वॉलंटियर भी हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी अलग से व्यवस्थापित की। तो यहाँ पर जैसे कि लगातार आपका पुलिस प्रशासन मौजूद है और किस तरीके से कंट्रोलिंग कर रहा है कि यहाँ पर कोई गलत घटना ना हो जाए। जी कंटिन्यू तो देखिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं वो एक भक्ति भावना से आते हैं, तो सबसे पहले कि कोई यदि पूछे कि मुझे कहाँ जाना है तो हमने अपने पुलिस प्रशासन के लोगों को यही बताया कि आप जनता का सहयोग भी कीजिए, क्योंकि सुरक्षा के साथ साथ हमारा घर में भी एक कम गाइड करे, कहीं कोई बात हो तो हमको वहाँ तक जनता के तक पहुँचाए। इसी बीच में कहीं कोई पीछे कोई विद्वान या कोई ऐसे व्यक्ति आ गए उनके लिए हमने पीएमओ साहब से कहा कि अलग से यहाँ पे एम्बुलेंस की टीम व्यवस्थापित की है और यहाँ पे एक छोटा सा इनका डिस्पेंसरी भी 24 आवर्स के लिए स्टार्ट किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद मुफ्तबाबाद मार्ग पर गांव नगला जाट के शिव मंदिर परिसर में बजरंग दल कमेटी ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विशाल झांकियों का आयोजन किया, जिसमें आगरा से आए कलाकारों ने खाटू श्याम, बजरंग बली सहित दर्जनों झांकियां निकाली। आस्था और भक्ति का संगम यहां देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर उमेद सिंह राजपूत, टीकम सिंह राजपूत के साथ मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी ने फीता काट कर किया। इस दौरान कार्यक्रम कमेटी सहित ग्राम प्रधानपति प्रेम सिंह जाट ने अतिथियों को सम्मान रूप से माला पहनाते हुए अंगवस्त्र भी भेंट किए। जैसा कि आप नगला जाट के लिए जो यहाँ की गांव सभा की जो कमेटी है आज शिवरात्रि के पर्व पर यह मंदिर पर जो आयोजित हुआ है उस कार्यक्रम में मैं स्वयं आप सबके बीच में काफ़ी आज सम्मिलित हुआ हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सब ने मुझे यहाँ इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस कार्यक्रम में ला के जो मुझे कृतज्ञ किया है, मैं बड़ा अभिभूत हूँ लोगों की इस मंदिर कमेटी की। जैसा कि आप रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप और सांसद बांदा आरके सिंह पटेल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस दौरान चित्रकूट के उद्यमी कार्यक्रम में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश सरकार में जनपद में उद्योग लगाने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया। प्रभारी मंत्री द्वारा विकास भवन के सभागार में पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता कर प्रोजेक्टर के माध्यम से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में स्लाइड से माध्यम से प्रसारण भी दिखाया गया। 10 से 12 फरवरी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और समापन पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33,52,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, जो भारत के अंदर किसी भी प्रदेश में होने वाले समिट में सबसे ज्यादा है। 25,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस समिट में भाग लिया, 41 देशों ने सहभागिता की, 16 देशों के लोगों ने आकर यहां पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, 3 देशों की कैबिनेट भी यहां पर मौजूद रही। यदि मैं इन्वेस्टर समिट के बारे में
अंतिम शब्द के रूप में कहूं तो उत्तर प्रदेश में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बनाने का को लक्षित करते हुए जो महाराज श्री जी ने शुरू की थी, उस दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। जहां तक चित्रकूट का विषय है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए देश और प्रदेश के लोगों ने निवेश करने पर सहमति। आम आदमी पार्टी का खबर करनाओ से, जहां आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी संजीव शाह, नगर प्रभारी वीरेंद्र कुमार गुप्ता और नगर अध्यक्ष हरिशंकर त्रिपाठी समेत पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव को लेकर आप जिला की अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव की अध्यक्षता में बैठक की। इस बैठक में बिजली, पानी, सफाई, रोजगार, स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए एक रणनीति भी बनाई गई। आम आदमी पार्टी का 12 फरवरी से एक निकाय चुनाव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी एक शुरुआत में सेल्फी भी पूरा अभियान चला था, उसमें हमने सभी नगर पंचायत नगर पालिका परिषदों के ये कूड़े के ढेर वीडियो वायरल किए थे, उनको फोटो भेजा था, कई बार हमने प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन आज दिन तक कूड़े के ढेर जस के तस पड़े हुए हैं। आखिर सरकार और नगर पालिकाएँ संवेदनहीन क्यों हो गई हैं? उसी तरीके से बिजली और पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने छिबरामऊ में कई बार धरना और प्रदर्शन किया, लेकिन काशीराम कॉलोनी और तमाम जगह जो पानी की समस्या थी, जो गंदगी की समस्या थी, उसको लेके कई बार आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज भी इस तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों की जवान बंद की जा रही है, उस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और लोगों की समस्याएं उठाती रहेगी। यहाँ की प्राचीनता है। खबर हापुड़ से है, जहां महाशिवरात्रि में शांति व्यवस्था को लेकर हापुड़ प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं जिले के गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन नक्का कुआं मंदिर और कल्याणपुर पर पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती की गई। आपको बता दें कि हापुड़ जिला अधिकारी ने पुलिस बल को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ की प्राचीनता यह है कि भगवान परशुराम ने 3 मंदिरों की स्थापना किया, जिसमें एक कल्याणेश्वर महादेव की मंदिर की प्राचीनता सिद्ध होती है। और यहाँ पर विशेषता है कि इस जल की यहाँ पर जितना भी जल चढ़ता है वह पता नहीं चलता है कि वह जल निकल कर जाता कहाँ है। इतना सुंदर कलाकृति और भी कई अन्य मंदिरों में देखने को तो मिल जाए वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ यह प्राचीनता सिद्ध होता है कि इतने व्यास में जो ये टेम्पल बनाया गया है, इतने लगभग 8 फीट चौड़ा दीवार इसकी नींव रखी गई है और वह नींव पतली छोटी ईंटों से रखी गई है, जो वह हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की बात को निर्धारित करता है। और ये मेला कब से लगता आ रहा है यहाँ पर? यह मेला जब से महाशिवरात्रि की परिकल्पना की गई है तब से यहाँ की मेला सिद्ध होती है। मुख्य प्रसाद क्या है यहाँ का? यहाँ का मुख्य प्रसाद है बैर चढ़ता है, फल में सबसे मुख्य प्रसाद महाशिवरात्रि को बैर है, धान की लावा चल रहे हैं, दूध चल रहे हैं, भांग के पत्ते हैं। यहाँ के श्रद्धालु इतने भक्ति भाव से गुड़ का प्रसाद देख रहे हैं, लगभग 5 किलो वेट का एक पूरा ही एक ही साचे में तैयार किया गुड़ जो है भक्त जो है बहुत ही भक्ति भाव से यहाँ ला करके प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ की खबर हमीरपुर से है, जहां श्री शैलेश्वर धाम सरीला में महाशिवरात्रि महोत्सव के मौके पर बाहर से आए हजारों भक्तों के लिए समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सरीला उपजिलाधिकारी खालिद अंजुम और नायाब तहसीलदार राधेश्याम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह, पुलिस चौकी इंचार्ज संगमलाल प्रजापति सहित सैकड़ों नगर की माताएं बहने और पुरुषों ने भंडारे में सहयोग किया। खबर बहराई से है, जहां नानपारा में शिव बारात को लेकर शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिला। सभी भक्त ढोल नगाड़ों के साथ डीजे पर भोलेनाथ के भजनों पर झूमते नजर आए। शिव बारात में शिव पार्वती के साथ सभी देवताओं की झांकी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं बारात का जगह जगह मोहल्लों में भक्तों द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया गया। बारात में कोई भी अराजकता न फैले, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आए।
जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवाला मंदिर से एक महाशिवरात्रि का आयोजन होता है जो परंपरागत है। इसमें विगत वर्षों की भांति जो पुलिस प्रबंध था वो पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस और पीएसी बल को लगाया गया है। हमारे प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी और मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो सामान्य नागरिकों के अतिरिक्त जो उस यात्रा के संयोजक हैं, आयोजक गण हैं और जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सभी लोग यात्रा के साथ हैं और ये शीघ्र ही सबसे संपन्न होने वाली है। जैसा कि आप सभी खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों पर पहुंचकर भक्तों ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। आपको बताते चलें कि देर रात से ही शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो गया था। वहीं फल, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मिष्ठान आदि चढ़ाकर भक्तों ने महादेव की पूजा अर्चना की। सभी भक्तों ने शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए हसनपुर सीओ अभिषेक यादव, थाना आदमपुर थाना अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा समेत पूरी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। वहीं बहराइच में भी महाशिवरात्रि के इस पर्व पर नजारा देखने को रहा। जिले के बूढ़ेश्वर नाथ मंदिर महादेवा में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बताते चले कि प्राचीनतम और मनोकामना सिद्ध बाबा बूढ़ेश्वर धाम में मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए शिव भक्तों ने विभिन्न पूजन अर्चन व जलाभिषेक किए। मंदिर सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना खैरीघाट पुलिस बल और नानपारा राजस्व टीमें मुस्तैद रही। ये जो बाबा बूढ़ेश्वर नाथ का मंदिर है तो कितना पुराना होगा? ये लगभग 600-700 साल पहले का है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो भक्तगण आते हैं तो क्या मान्यता है, कैसे? भोलेनाथ के जो उपासक हैं, जो उन्होंने अपने मुख से मतलब शंकर भोलेनाथ जी को कहते हैं और वो उनकी मनोकामना वो सिद्धि कर देते हैं, पूरी हो जाती है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? अभी तो हम बता नहीं सकते, मतलब कि अपने यूपी में, यूपी के और बाकी बाहर तक भी आ सकते हैं, लेकिन यूपी के तो वास्तव में आते हैं। यूपी के सभी लोग यहाँ आते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, सुरक्षा तो है ही नहीं, टीम है सुरक्षा के लिए? हाँ, है। कहाँ की टीम है? थाना खैरीघाट की टीम है सुरक्षा को लेकर। ये जो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडी न्यूज। फील द पावर ऑफ इंजन। मैकोलोब्रिकेंट रेडी टू ड्राई।